हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील मेहता। आज के वीडियो क्लासेस में वीडियो टेक्स्ट मोशन ग्राफिक्स, यहाँ जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरीके का वीडियो बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें मैंने स्टिल पिक्चर को मोशन में कन्वर्ट किया है और टेक्स्ट में मोशन ऐड किया है। इस तरीके का इफेक्ट्स आज मैं प्रीमियर प्रो में आपको बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये फोटो है, मैं इसको यूज करूँगा, और ये टेक्स्ट है जिसको मैं यूज करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए, और मैं सोशल मीडिया के लिए यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स बना रहा हूँ। तो मैं स्क्वायर साइज में लूँगा 1200x1272 रेजोल्यूशन क्रिएट। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटोशॉप में लेआउट तैयार करेंगे और प्रीमियर प्रो में मोशन ऐड करेंगे, इफेक्ट्स ऐड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। जो मेरे पास फोटो है, इसमें से एक फ़ोटो में ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में रखा है मैंने, और यहाँ वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन फोटोज, मैं यहाँ पे सोनू शर्मा का फोटो यहाँ ले आता हूँ। अब क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको लिखना है। तो सोनू शर्मा का जो कोर्स मैंने यहाँ लिख के रखा है, देखिए क्या है ये सोनू शर्मा का, जिन लोगों के पास गोल नहीं होता ना, उनकी ज़िंदगी भी गोल होती है। तो इसका ये बेस्ट कोर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके सिंपली मैं इसको इस प्रकार से ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड, मैं जो यहाँ फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, टेको फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। यदि ये फॉन्ट आपके पास नहीं है तो हमारा वेबसाइट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप फ्री में इस वीडियो में जितना भी चीज़ मैं यूज करूँगा, PSD फाइल हो, फॉन्ट्स हो, प्रीमियर प्रो का इफेक्ट्स हो, सब कुछ फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑफकोर्स इसका कलर मैं फॉन्ट का वाइट कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से। आदि इसको तीन लेन में लिख के देखते हैं कैसा लगता है, कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे फिलहाल दो ही लेन में रहने देता हूँ, सही है। और टेक्स्ट के नीचे हम ब्लैक कलर का शैडो डालेंगे। तो न्यू लेयर लीजिए और जी से ग्रेडियंट लीजिए। ध्यान देना ये है कि यहाँ बेसिक में एक साइड ट्रांसपेरेंट वाला सिलेक्शन होना चाहिए, जी से ग्रेडियंट, और एक बार नीचे से क्लिक करके शिफ्ट की से स्ट्रेट होगा, और एक बार फिर से कर दीजिए, कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, कुछ इस प्रकार से। अब टेक्स्ट भी देखिए, पहले मेरा टेक्स्ट ऐसे था, अब टेक्स्ट ऐसे है, टेक्स्ट भी अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब फ्रेंड, हम क्या करेंगे, गोल को कोई हाईलाइट करने के लिए कोई दूसरा कलर इसमें हम ऐड कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस प्रकार से, इसको भी कर लीजिए। यही सेम कलर यहाँ भी ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ मैं एक ये वाला साइन ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लोगो लगा देता हूँ। तो मेरे पास लोगो भी है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसका कलर को कलर ओवरले में जाके वाइट कर देता हूँ, अब दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ी सी बड़ी भी कर दीजिए। और मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ। तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे ताकि इस पर हाईलाइट हो। इसका कलर ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे यही सेम कलर डालूँगा ताकि मेन टेक्स्ट भी इफेक्ट करे, और जो मेरा इसमें अगर आउटलाइन है इसको नन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम लिखना है, मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, www.wproduction.com, ठीक है। और फॉन्ट मैं यहाँ पे सिंपल एक बैंक गोथिक फॉन्ट है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ,
उसके बाद इसको इस प्रकार से यहाँ ये वाला जो लाइन मैंने यहाँ ऐड किया है इसको यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ, और ऑफ कोर्स थोड़ी छोटी कर लीजिए। इसको प्लेसमेंट यहाँ कर दीजिए। अभी क्या हुआ इससे कि ये जो गोल भी हाईलाइट हो गया और यहाँ जो मैंने सेव दे दिया तो ये मेरा वेबसाइट भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो दोस्तों यहाँ मैंने इस तरह का लेआउट हमने तैयार किया है। अब क्या करना है, देखिए ये टेक्स्ट है और ये जो शेप्स मैंने यहाँ लगाया और लोगो, ये तीनों को एक लेयर में मर्ज कर दीजिए। ये तीनों अब एक साथ हो गया, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं सेल्फ। टेक्स्ट तो हमें यहाँ लिखना नहीं है, हम जस्ट यहाँ लिख के देख रहे थे। कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट हम प्रीमियर प्रो में भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे। इसको हटा दीजिए। पिक्चर भी हमें यहाँ यूज नहीं करना है, पिक्चर भी हम प्रीमियर प्रो में ही सेट करेंगे। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और इसका नाम रख दीजिए शैडो। एक काम करते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इस सबको PHD फाइल में सेव कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए डेमो, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब अपना प्रीमियर प्रो यहाँ से ओपन कीजिए, कंट्रोल न्यू, और अब फाइल को मैं फिलहाल अभी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। ओके कर लेते हैं। अब जो PHD फाइल मैंने सेव किया है उसको ओपन कर लेते हैं, डेमो के नाम से होगा ये फोटोशॉप का फाइल। यहाँ सेव नहीं हुआ, इसको फिर से सेव कर लीजिए, और ये सेव कहीं और हो चुका है। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ डेमो। अब फिर से प्रीमियर प्रो में जाइए और यहाँ देखिए डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ये आ गया। इसको ओपन कीजिए। यहाँ जब इस तरह का आता है फ्रेंड, तो यहाँ आपको इंडिविजुअल लेयर करना है। ये शेप और शैडो आपको चाहिए, इस पर ओके कर दीजिए। ये बीन में आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, दोनों लेयर आ गया। अब सबसे पहले आपको जो ये शेप्स है इसको आप ले आइए। आप फ्रेंड इसको जो है आपको सबसे ऊपर रखना है, सबसे ऊपर ले आइए। इसके बाद जो आपके पास फ़ोटो है यूज करने के लिए, उस सारे फ़ोटो को यहाँ आप ले आइए। चार और एक पाँच फ़ोटो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो सबसे पहले किसी को ये फ़ोटो को लाते हैं और इसको सबसे नीचे रखना है, और मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं, इसको ओनली 4 सेकेंड का ही मैं दिखा रहा हूँ। इसको सिर्फ 4 सेकेंड इतना बड़ा कर लेंगे, मुझे 4 ही सेकेंड इसको दिखाना है, ठीक है। अब इस फोटो के ऊपर सिलेक्शन करना है, और जैसे ही फ़ोटो के ऊपर से देखिए इस लेयर फ़ोटो का है, इसको पहले अपने फ्रेम में इसको फिट कर लीजिए। तो इस यहाँ से स्केल मतलब जूम होता है, इसको फ्रेम के साथ अपना फिट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, जो अभी आपने शैडो लाया है ये वाला जो लेयर देख रहे हैं, इसको फिलहाल आप जो है ये जस्ट फोटो के ऊपर ले आइए कुछ इस प्रकार से। अब देखिए क्या हुआ, पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया। यहाँ तक लेआउट बन गया, अब हमें लिखना है। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए लेगेसी टाइटल, तो फ्रेंड आपको जाना है फाइल और न्यू और लेगेसी टाइटल। यहाँ ध्यान रखिएगा 1200 1200, यहाँ 25 रखिएगा, ध्यान से रखिएगा 25, और इस पर ओके कर दीजिए। अब जो टेक्स्ट आपने सोनू शर्मा का है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और अपने प्रीमियर प्रो में जाइए, और यहाँ से टेक्स्ट टू लेना है, इसको थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, यहाँ से भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, और सिंपली इसको ऐसे करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल भी कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, और यहाँ फ्रेंड आपको जो फॉन्ट रखनी है टेको रखनी है, और टेको रख के यहाँ मैंने टेको रख के मुझे यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या करना है, जी को बड़ा कर दीजिए, और इसका फ्रंट में जाके कुछ ये वाला साइन इसमें डाल दीजिए। गोल्स को हाईलाइट करना है मुझे, यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, ये कलर लीजिए, और यहाँ पे
आई ड्रॉपर टूल से कलर को सिलेक्शन कीजिए। ये भी गोल है, इसको भी सिलेक्शन करके आई ड्रॉपर टूल लीजिए यहाँ से कलर में और ये इस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से हो गया, यहाँ से इसको कट कर दीजिए या थोड़ी सी इसको अगर प्लेसमेंट करना चाहते हैं थोड़ी इसको सेंटर कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। अब ये टेक्स्ट लेयर यहाँ पे एक बन के आ गया, इसको अपने लेयर पे सिक्वेंस पे ले आइए, इसको भी 4 सेकेंड का कर दीजिए। और अब इसको आप चाहें तो नीचे ऊपर कर सकते हैं, देखिए इस तरह से नीचे हो जाएगा ये। अब देखिए क्या करना है, मेरे पास ये जो फ़ोटो है ये इस पर मोशन नहीं है, हम इसमें मोशन ऐड करना चाहते हैं। नीचे वाला फ़ोटो जो अपना लेयर है ये वाली, इसको सिलेक्शन कीजिए और ये जो इफ़ेक्ट कंट्रोल है इस पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको जूम करने, यहाँ क्लिक कीजिए और इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाइए, ठीक। और अभी 78 है, मैं इसको 82 कर देता हूँ, जूम हो गया। फिर इसको पकड़ के लास्ट, इसको पकड़ के लास्ट कर दीजिए, अब देखिए किस तरह से आएगा, थोड़ी हल्की जूम हो रही है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आगे जो मैंने इसमें एडिटिंग किया है उस पर सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ चला गया। अभी 82 था, थोड़ा स्लो लग रहा है तो इसको हम 84 कर देते हैं, आप देखिए क्या होगा, थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट होगी, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब ये टेक्स्ट में हम चाहते हैं एनिमेशन, तो मेरे पास कुछ प्रीसेट है, आप राइट क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट प्रीसेट कीजिएगा तो आपका प्रीसेट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रीसेट आपको फ्री में मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला प्रीसेट है वो मैं इसमें डाल देता हूँ फर्स्ट में। अब फ्रेंड आप देखिए ये कैसा आएगा, देखिए। और इसमें अगर थोड़ा सा मैं साउंड इफ़ेक्ट अगर इसमें डाल दूँ तो देखो ये कैसा दिखता है। मैं यहाँ पे, मेरे पास ये भी साउंड इफ़ेक्ट है, मैं यहाँ सिंपल ये हुज साउंड इफ़ेक्ट यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसको अपना फर्स्ट में इसको डाल दीजिए, अब देखिए कैसा आएगा। फ्रेंड अभी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है पर ये बहुत अच्छा साउंड प्ले हो रही है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें दूसरी फ़ोटो लानी होगी। तो सिंपल है, जो अपने पास ये फ़ोटो है, मैंने अभी, आप चलिए ये मुकेश अंबानी का फ़ोटो यहाँ ले आते हैं, इसको भी 4 सेकेंड इतना बड़ा कर दीजिए और जो ये शेडो का लेयर खींच के बड़ा कर दीजिए और जो मैंने लोगो वगैरह लगाया इसको बड़ा कर दीजिए। अब चलिए ये मुकेश अंबानी का फ़ोटो पर सिलेक्शन कीजिए, इफ़ेक्ट कंट्रोल पर जाइए और इसको पहले अच्छे तरीके से फ्रेम में फिट कर दीजिए, ठीक है, थोड़ी इसको नीचे कर दीजिए। हम चाहते हैं अभी जूम नहीं, हम चाहते हैं कि राइट से लेफ्ट मूवमेंट करें। तो फ्रेंड ये लेयर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इफ़ेक्ट कंट्रोल जाइए और ये इस बार हम जूम नहीं करेंगे, इस बार हम पोजिशन को छेड़ रहे हैं। इसको स्टार्टिंग में ले आइए, उसके बाद थोड़ी सी आगे जाइए। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये फ़ोटो इस तरह से जूम होके इधर आ जाए, तो इसको लास्ट कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड प्ले करके कैसा दिख रहा है, देखिए फ़ोटो में एक मोशन आ गया, स्टिल फ़ोटो को हम मोशन में कन्वर्ट कर दिए। अब इसमें भी हमें टेक्स्ट लिखना है तो सिंपली जिस तरह फोटोशॉप में ऑल्ट की प्रेस करके कॉपी करते थे उसी प्रकार से यहाँ भी कॉपी कर देंगे। अब चलिए इस पे जो इफ़ेक्ट डाला हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हम इस पे फिर से नया इफ़ेक्ट डालेंगे और इसको पहले टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, इस पे डबल क्लिक कीजिए। और देखिए मुकेश अंबानी का कोर्स है, अगर आप अपने आसपास के समाज को नहीं बदल सकते तो उस समाज से दूर रहना ही उचित होगा, ये कोर्स को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। अब क्या करना है, टेक्स्ट टूल पर जाना है और इस पे कंट्रोल ए कंट्रोल भी कर दीजिए, ये हो गया दोस्तों। इसको हमें 3 लेन में लिखना है, कंट्रोल टी कीजिए, कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी और इसको आप 3 लेन में इस तरह से लिख दीजिए और फिर मूव टूल पे जाइए, थोड़ी सी इसको ऊपर कर दीजिए। दोस्तों इसमें जो चीज़ हाईलाइट करना है जिस तरह से पिछली बार किए थे वही सेम, पहले इसको सिलेक्शन कीजिए यहाँ से समाज को और यहाँ से मैं यहाँ ये कलर लेता हूँ, फिर से सिलेक्शन कीजिए समाज को और यहाँ से मैं यहाँ ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो शुरू में
ये वाला साइन आप दे सकते हैं। उसके बाद इसको कट कर दीजिए, ये एक टाइटल बन हमारा चेंज हो गया। आप देखिए यहाँ कैसे आ रहा है, ये वाला जो हुज साउंड इफेक्ट है मैं यहाँ भी इसको ऐड कर देता हूँ। और ये यहाँ जो एनिमेशन में यूज कर रहा हूँ सेकेंड नंबर करेंगे, इस पर डाल दीजिए। अब देखिए किस तरह से होगा, तो वीडियो और टेक्स्ट में मोशन हमने ऐड कर दिया। फ्रेंड इसी तरीके का जो और भी फोटो है मेरे पास, जैसे कि संदीप महेश्वरी है, इसको भी ले आइए और इसको भी 4 सेकेंड के लिए कर दीजिए। और इसका इसमें देखिए, इसका पहले फ़ोटो को इस लेयर को सिलेक्शन करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल पे जाइए और यहाँ से इसको फ्रेम में पहले फिट कर लीजिए। और फ्रेंड हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जूम भी करें और थोड़ा सा राइट साइड मूवमेंट भी करें, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में ले आइए, ये स्केल ऑफ पोजिशन दोनों में कीजिए और थोड़ी इसको आगे कीजिए। और हम चाहते हैं 70 है, इसको हम 75% जूम कर देते हैं और इसको थोड़ी से हम लेफ्ट कर देते हैं और इसको फिर लास्ट में पकड़ के लास्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, देखिए आप फ्रेंड इसमें जो टेक्स्ट है हम रिप्लेस करते हैं इसका टेक्स्ट को। इसको पहले अपने लेयर पे ले आइए। आप देखिए इसका जो कोर्स है, संदीप महेश्वरी कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी असफलता की वजह से हूँ। इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी हो गया। और यहाँ आपको सिंपली टेक्स्ट लेयर पे जाना है और इस सबको यहाँ से सिलेक्शन करके कंट्रोल भी से रिप्लेस कर देना है। दोस्तों ये दो ही लेयर में काम चल जाएगा, इसको यहाँ से थोड़े नीचे कर देना है और इसको मैं असफलता वर्ड को यहाँ से इसका कलर को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से कर लीजिए और इसको फिर पकड़ के अपने फ्रेम में ऊपर नीचे यहाँ से आप इसको कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ जो लेयर इफेक्ट है वो स्विच 2 लगा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि मैं इसमें इफेक्ट में 3rd नंबर वाला इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। अब देखिए ये ऐसे था और ये वाला अब ऐसे आया, और ये जो साउंड इफेक्ट है हुज वाला, इसको भी डुप्लीकेट करके यहाँ ले आइए इस प्रकार से। अब मेरे पास जो अगला फोटो है विवेक बिंद्रा, इसको भी यहाँ ले आइए। अब इस पर सिलेक्शन करके कंट्रोल पैनल पे जाइए और इसको पहले फ्रेम में अपना आप इसको अपने फ्रेम में पहले इसको फिट कीजिए, राइट साइड मूवमेंट कीजिए इधर से, ये ठीक हो गया। अब क्या करना है, हम चाहते हैं इसको जूम करने के लिए और राइट साइड थोड़ा मूव करना चाह रहे हैं, तो इसको स्टार्टिंग में जाइए, दोनों पोजीशन और स्केल दोनों को ऑन कर दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि ये जूम तो भाई 96 हो जाए और इसका पोजीशन राइट से थोड़ा ऊपर नहीं, इसका पोजीशन राइट से थोड़ा बढ़ जाए कुछ इस प्रकार से, और ये दोनों को पकड़ के लास्ट में कर दीजिए ताकि ये पूरा फ्रेम में इसका पूरा लेयर पे ये मोशन ऐड हो जाए स्मूथली। आप फ्रेंड इसका जो टेक्स्ट है उसी तरह इसमें भी चेंज करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और इस पर जो इफेक्ट भी लगा है इसको हटा दीजिए। और विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है इसको कॉपी कीजिए। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, अगर आप स्वयं अपने भाग्य नहीं लिखते हो तो परिस्थितियां आपका भविष्य निर्धारित कर देगी। फ्रेंड मैं इसको यहां से सिंपली कॉपी करता हूं जैसे पहले करते आया हूं और यहां से इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट वाला पैनल खोलता हूं और इसको हम कंट्रोल भी से कॉपी कर देते हैं और इसको हम ऊपर ले आते हैं। फ्रेंड इसको 3 लेयर में लिखेंगे तो इसको कुछ नहीं करना है, मूव टूल लीजिए, थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए, ये ठीक सही लग रहा है। और यहाँ जो हाईलाइट करने वाला वर्ड है परिस्थितियाँ है, इसको हम इसको कलर को यहाँ से इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से कलर सिलेक्शन कर देते हैं और ये हो गया इस पर। और इस पर अगर आप ये वाला साइन ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए,
यहाँ से कट कर दीजिए। अब इसको थोड़ी सी इसको ऊपर ले आइए, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इस पर टेक्स्ट वाला मोशन नहीं है, इफेक्ट में जाइए और स्विच 4 इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखिए कैसा आएगा ये, कुछ इस प्रकार से। अब इसको यहाँ तक रहेगा ये। अब मेरा जो नेक्स्ट फोटो है उसको ले आइए, नेक्स्ट फोटो उज्जवल पटानी है, इसको यहाँ ले आइए और इसको भी हम 4 लेयर 4 सेकेंड के लिए रखेंगे यहाँ तक बस। अब बाकी लेयर को लास्ट सबको पकड़ के एक साथ कर दीजिए। अब फ्रेंड इसका जो टेक्स्ट लेयर को कॉपी कीजिए आप, और इसका जो फोटो है इसको पहले इफेक्ट कंट्रोल पे जाके पहले फिट कीजिए अच्छे प्रकार से, ठीक है। और इसको थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए ताकि हाथ नीचे से थोड़ा सा जूम कम कीजिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए इस प्रकार से। इस फ्रेंड इसको हम चाहते हैं जूम नहीं करना चाहते हैं, लेफ्ट से राइट चाहते हैं, तो पोजीशन जाइए और थोड़ी सी इसको आगे कर दीजिए और हम इसको चाह रहे हैं लेफ्ट के साइड, और इसको पकड़ के उधर कर दीजिए। अब फ्रेंड ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार से मूव हो रही है, इस पे जो इफेक्ट डाला हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब फ्रेंड शायद इसमें दो दो इफेक्ट डल गई है, यस इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं ये कैसा आता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अब इस पे भी हम इफेक्ट इसमें ऐड कर देते हैं, इस पे हम इफेक्ट जो ऐड करेंगे वो स्विच 5 इफेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए ये कैसा आता है, कुछ इस प्रकार से। और आप चाहें तो इसके लिए कोई म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे म्यूजिक अगर मेरे पास हो तो मैं यहाँ से डाउनलोड में कुछ ये वाला म्यूजिक यहाँ ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, डिलीट कर देते हैं और थोड़ी सी इसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं। उसके बाद इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको फुल स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस प्रकार से ये वीडियो आपके सामने मैंने बना के आपको दिखा दिया कि मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट और वीडियो में कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों इस तरह का न्यूज एजेंसी अपने न्यूज को प्रचार करने के लिए न्यूज एजेंसी बनाती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में, इसी के साथ आज का वीडियो के लिए विदा लेता हूँ।